बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में पूरे देश में बुलडोजर को लेकर के अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जिस अंदाज में बुलडोजर न्याय की संज्ञा देकर के उसका प्रयोग और दुरुपयोग किया गया, उसको लेकर हर तरफ चर्चा है। अब तक कितने लोगों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग हुआ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इस पर चर्चाएं तो आप सुन रहे होंगे, मगर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें बुलडोजर का दुरुपयोग किया गया और वो लोग निर्दोष निकले। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। आज आपको हम बताएंगे कि कई सारे ऐसे मामले जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ने बुलडोजर का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ कर तो दिया, लेकिन जब वो अदालत पहुंचे, मामला अदालत में गया, तो अदालत में वो लोग नीट एंड क्लीन होकर निर्दोष होकर के बाहर निकले। कई सारे मामले तो ऐसे निकले जिसमें अदालत ने ये कहा कि जिस तरीके से उनका घर ढाया गया, वो घर वहाँ के नगर निगमों के हिसाब से भी मानकों पर पूरा उतरता है, अवैध निर्माण नहीं था। कई सारे ऐसे लोग थे जिनको लेकर के कोर्ट ने कहा कि ये निर्दोष तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ में इनके लिए दुर्भावना के नज़रिए से ऐसा लगता है कि बुलडोजर का प्रयोग किया गया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के आज हर तरफ चौक चौराहों से लेकर के गली मोहल्लों पर चर्चाएं आम हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपके सामने मैं तीन ऐसे मामले रख रहा हूँ जिसके ज़रिए से आप अंदाज़ा लगाइए कि दरअसल इन बुलडोजर्स का प्रयोग किस अंदाज में किया जा रहा था। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहाँ पर अदनान नाम के एक शख्स के घर को सरकारी बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, सरकार का आदेश आता है, बुलडोजर उसके घर पर चलता है। और दरअसल बुलडोजर चलवाने के पीछे जो तर्क दिया गया कि वो ये कि उस शख्स ने, अदनान ने, एक हिंदू धार्मिक यात्रा के ऊपर थूक दिया था, पूरे उज्जैन में उसे थूक जिहाद का नाम दिया गया और उसके बाद में सरकार की तरफ से आदेश देकर के उसके घर को तोड़वा दिया गया। मामला जब अदालत पहुंचा तो अदालत में वो शख्स निर्दोष साबित हुआ, कड़ी फटकार लगी सरकारी अधिकारियों को, सरकारी महकमों को। अब सवाल ये है कि क्या निर्दोषों के खिलाफ भी सरकारें बुलडोजर का प्रयोग करती हैं? क्या महज वाहवाही के लिए, क्या महज अपनी सरकार के साख को मजबूत करने के लिए, अपनी साख को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के उज्जैन की घटना दर्शाती है कि अदालत ने जिसे सही से बताया उसे वहां की सरकार ने गलत बताते हुए बुलडोजर से उसके घर को ध्वस्त कर दिया। एक ऐसा दूसरा मामला इंदौर का, जहां पर एक शख्स को इस बात का आरोप उसके ऊपर लगा कि उसकी वजह से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, यानी कि उस शख्स ने आत्महत्या के लिए एक शख्स को उकसाया, जिसके बाद में उस पर आरोपों की झड़ी लगी, मुकदमे दर्ज किए गए और सरकार ने उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा, अदालत में वो शख्स बरी हो जाता है। जो आरोप उस शख्स के ऊपर अदालत में लगाए गए थे, उन आरोपों को लेकर के अदालत में वो आरोप साबित नहीं हो सके। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, उस शख्स को राहत दी, निर्दोष बताया और ये कहा कि सरकार इसके घर को बनाने के लिए धनराशि दे, सहायता प्रदान करे, हर्जाने के तौर पर, जुर्माने के तौर पर, क्योंकि सरकार ने उसके घर को ध्वस्त कर दिया जिसमें उस शख्स का कोई कसूर ही नहीं था। तो आप सोचिए कि दोनों मामलों में अदालत ने अपने फैसले में उन दोनों ही शख्स को निर्दोष साबित किया। मगर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सरकारें हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जिन केसेस में बुलडोजर चलने चाहिए थे, नहीं चले। बहुत सारे ऐसे केसेस रहे जिसमें अगर बुलडोजर चल गए होते, जिसमें वो शख्स आरोपी बनाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, जेल गया, अगर बुलडोजर चल गया होता, जबकि बाद में वो शख्स अदालत से निर्दोष साबित होता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की घटना, जहां पर एक टीचर के ऊपर उस स्कूल की कई छात्राओं ने, सात सात छात्राओं ने अपने घरों में शिकायत करके शारीरिक शोषण उत्पीड़न का पुलिस थानों में मुकदमा लिखवा दिया और वो शख्स
मुकदमा लिखे जाने के बाद में जेल जाता है। साल डेढ़ साल तक वो जेल में रहता है। ट्रायल के बाद में उस शख्स को वहाँ से बाइज्जत बरी किया जाता है, उस अध्यापक को, उस गुरु को, उस टीचर को बरी किया जाता है। और बाद में ये बात सामने आती है कि उन छात्राओं ने कुछ शरारतों को दबाने के लिए, ताकि उनके घर वालों को वो अध्यापक ना बताएं, महज इस वजह से उस शख्स के ऊपर, उस गुरु के ऊपर इतना गंभीर और संगीन आरोप लगा दिया था। अब सोचिए, इन संगीन आरोप लगने के बाद में, जेल जाने के बाद में, मुकदमा लिखे जाने के बाद, अगर उस अध्यापक, उस गुरु के घर पर बुलडोज़र चल गया होता तो फिर क्या होता? तो सवाल इस बात का कि जिन बुनियाद को, जिन चीज़ों को आड़ बना करके सरकार बुलडोज़र चलाती आई है, कई सारे ऐसे केसेस में जहाँ पर वो मामला झूठा निकला, जहाँ पर वो लोग, वो आरोपी निर्दोष साबित हुए, जहाँ से अदालत से उनको पूरी रिलीफ मिली, यहाँ तक कि सरकारों को अदालत ने फटकार लगाई कि आपने जो किया वो गलत किया। अब सवाल ये है कि क्या महज अपनी साख को मजबूत करने के लिए, क्या महज खुद को सख्त शासक साबित करने के लिए, क्या कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की एक छवि गढ़ने के लिए बुलडोज़र का प्रयोग किया जाता है? और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस बात का जिक्र किया कि क्या देश का कानून इतना सक्षम नहीं है कि उन आरोपों, उन अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए, उन कानूनों का प्रयोग करके अपराध को रोकने के लिए अफसरों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, ताकि उनके इलाके में अपराध ना हो। इसके बजाय सरकारें इन तमाम चीज़ों से मुचराकर बचते हुए बुलडोज़र न्याय करने लगती हैं। ज़ाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकारों को सोचना होगा। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले वक्त में इसके लिए एक नई गाइडलाइंस बनाने की बात कही है, सुझाव मांगे हैं, फिलहाल बुलडोज़र पर ब्रेक लगा है, लेकिन कई सारी ये घटनाएं दर्शाती हैं कि निर्दोष लोगों के खिलाफ भी सरकारों ने बुलडोज़र चलाने से हिचकी नहीं, और सरकारों ने धड़ल्ले से महज अपने फ़ायदे के लिए बुलडोज़र का प्रयोग किया।